बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू सईद टॉक्स। सो फाइनली इन्फिनिक्स हॉट 11 प्रो की तमाम तर कंफर्मेशन लीक हो चुकी है दोस्तों, यानी प्राइस भी कंफर्म हो चुका है, स्पेसिफिकेशन भी कंफर्म हो चुकी है और कि पाकिस्तान में कब आने वाले हैं, सब कुछ कंफर्म हो चुका है। तो आज भी बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स हॉट 11 प्रो के बारे में। क्या आपको इन्फिनिक्स हॉट 11 प्रो के लिए वेट करना चाहिए या नहीं? क्या आपको इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं? क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं? तो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है यार तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली बार दबाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन लाजमी दबाएगा, ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स हमेशा की तरह मिलती रहे। सो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा तो स्मार्टफोन के चिपसेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे भाई आज का जो दौर है दोस्तों, मतलब कि आजकल का जो दौर है, ज्यादातर लोग जो है तो दोस्तों वो गेमिंग स्मार्टफोन के ऊपर ही फोकस करते हैं। मतलब कि कम प्राइस हो, चिपसेट अच्छा हो, मतलब कि रैम और रोम अच्छे हो, मतलब कि जो मतलब कि बैटरी लिहाज से भी गेम भी अच्छा उसमें चले, और मतलब कि हीटिंग ना हो, बैटरी बहुत अच्छी हो, ज्यादा चार्ज मतलब कि जल्दी फास्ट चार्ज हो, कैमराज अच्छे हो, मतलब कि लोग जो आजकल चाहते हैं कि यानी कि कम प्राइस में एक अच्छा स्मार्टफोन हमें मतलब कि मिल जाए, तो यही स्मार्टफोन है जो आपको मतलब कि वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। बहुत ही कम प्राइस में आपको जो चिपसेट दे रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि इन्फिनिक्स भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है अपने ऑडियंस के लिए। चिपसेट के बारे में बात करें, मीडियट हेलियो G85 6GB रैम 128GB की बिल्ट इन स्टोरेज के साथ दिया गया दोस्तों, यानी ये स्मार्टफोन जस्ट फॉर यहाँ पर जो गेमिंग लवर है उनके लिए खासतौर पर बनाया गया है। मीडियट हेलियो G85 6GB रैम 128GB की बिल्ट इन स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन आ गया मेरे भाई, जस्ट फॉर गेमिंग लवर के लिए ये स्मार्टफोन बनाया गया है दोस्तों। क्वाड कैमरा सेटअप के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको चीज बताता चलूं दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये यहाँ पर वीडियो क्रिएटर के लिए नहीं है, फोटोग्राफी के लिए नहीं, जस्ट फॉर यहाँ पर मेरे भाई गेमिंग कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ये स्मार्टफोन आने वाला है। अब अगर इसकी क्वाड कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो बैक के ऊपर आपको 13 मेगापिक्सल तक आपको मतलब कि सेटअप मिले। मेन सेंसर की बात करें तो 13 मेगापिक्सल तक आपको मेन सेंसर मिल जाएगी, 2 मेगापिक्सल यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर के लिए, 2 मेगापिक्सल यहाँ पर आपको मैक्रो शॉट के लिए, और 14 लेंस यहाँ पर एज अ लो लाइट सेंसर काम करेंगे, मतलब कि QVGA का मतलब एक लेंस है जो कि आपको एज अ लो लाइट मतलब कि सेंसर काम करेगी। सेल्फी शूटर कैमरा की बात करें तो सिंगल पंच होल के साथ आपको 16 मेगापिक्सल तक आपको सेल्फी शूटर कैमरा मिल जाती है मेरे भाई। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस मरतबा यहाँ पर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं मिलने वाली मेरे भाई, 6.67 इंच के आपको एक HD प्लस डिस्प्ले यानी कि 720 पिक्सल के ऊपर बेस कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी इन्फिनिक्स हॉट 11 सीरीज में, यानी कि इन्फिनिक्स हॉट 11 प्रो में दोस्तों। बैटरी के बारे में बात करें, 6000 mAh की बैटरी, 18W की एक फास्ट चार्जर। प्राइस बहुत कमाल की है यार, मतलब कि जो प्राइस है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी प्राइस है, 28,000 रुपए इसकी प्राइस होगी पाकिस्तान में। 6128 मीटर की लीजिए 85 की जो प्राइस वो है 28,000 रुपए, बहुत ही किलर स्पेक्स के साथ। तो अगर आप इन्फिनिक्स के शौकीन हो तो इस स्मार्टफोन के लिए जरूर वेट कीजिएगा दोस्तों। अगर आपके पास बजट जो है वो 30,000 है तो इन्फिनिक्स हॉट 11 प्रो आपके लिए गेमिंग के मामले में बहुत ही बेस्ट रहेगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको इसी तरह के अपडेट्स हमेशा की तरह मिलते रहे। तब तक के लिए हाफिज़ को जाती जाएगा, बाय बाय, लाइफ स्टाइल पाकिस्तान जिंदाबाद।